तो गाइज अभी मैं भी झूल रहा हूँ साथ में। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आई एम हेयर इन गोदावल। सो यार गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ गोदावल, यू नो व्हाट, ऑलरेडी मेरे गोदावल का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस दिन तो यार मस्त मेला वाला था, तो उस दिन मज़ा ही मज़ा, बट इस बार तो कुछ अलग किस्म का, अलग टाइप का वीडियो बनने वाला है, बिकॉज कुछ अलग पर्सन यू कैन सी व्हाट इज दिस कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही है, बिकॉज इसका जो वीडियो है ना नेक्स्ट लेवल का है। देखते बट ये मेकअप करने पर तुली हुई है, लगी हुई है लिपस्टिक लगाने में, तब भी खेबड़ी। सो यार गाइज लेट्स गो, आपको मैं इस मंदिर का दोबारा से विजिट कराने वाला हूँ। गाइज अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि गाइज इस जगह में, इस डेस्टिनेशन में हर साल जनवरी माह में मेला का आयोजन किया जाता है, और ये मेला लगातार नॉन स्टॉप 2 से 3 हफ्ते तक चलता रहता है। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। गाइज अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यार गाइज हमारे चैनल में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहती हैं। गाइज इस मंदिर में आपको पानी की भी सुविधा प्रोवाइड किया गया है। गाइस ये मंदिर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला के ब्योहारी ब्लॉक में आते हैं, और ब्योहारी से 1-2 किलोमीटर के एरिया में है। अगर आप इस एरिया के आसपास है तो आप यहां आ सकते हैं, और ऐसे दूर के भी हैं तो तब भी आप आ सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं ये मंदिर अभी न्यू बनी है और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, और ये मंदिर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें कैसा लग रहा है मंदिर, अच्छी है? अच्छी बता, ये मंदिर बहुत अच्छी है। बोल ना, ना। गाइस मेरे लास्ट पहले वाली वीडियो में आप लोगों को देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मंदिर का वीडियो बनाया था, और ये वाला लोकेशन गाइस यू कैन सी, ये वाला लोकेशन मेरा फेवरेट, बिकॉज ये जो पहाड़ में मंदिर बना है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो जाऊंगा इस बार, मैं आप लोगों के भी वहां कर लेकर जाऊँगा, और इसे देखो मस्त आराम से बैठ कर झूल रही है। तो गाइस अभी मैं भी झूल रहा हूँ साथ में, मज़ा आ रहा है मस्त। ऐसे हम लोग बचपन में झूलते थे ना, है ना? तुम कभी झूली वैसे? मैं तो बहुत झूली। मैं ऐसे ना कई लड़कियों को झूला चुका हूँ, पता तुम्हें? तुम तो लड़की। तुम लास्ट हो। पूरा जिंदगी झूलूंगी। क्या जिंदगी झूलूंगी? हमारे साथ मैं जोर जोर से झूलना, मजा आ रहा है। ये गाइस बहुत मजा आ रहा है ना, अगर कोई होता तो मस्त पीछे से धक्का दे, ऐसे ना ऊपर उछल कर चली जाती मंदिर में, टंग जाती सही चढ़ जाती। ऐसे बोल रहे, थोड़ा अच्छा बोलना। चला गाइस ये सुनीता थक गई है चढ़ते चढ़ते सीढ़ी मैहर का, फिर जल्दी चढ़ने का भी पता है कितना दूर है, वहाँ तक जाना ऊपर, वो लोग के संदेह करे सामने, वहाँ तक जाना है, अभी तो आधे में नहीं आई।
ये डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। तो सुनीता, आपको यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ देख शंकर जी, गाइस यहाँ आपको शंकर जी का भी दर्शन कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ से लेकर वहाँ तक भोलेनाथ पूरा एकदम लेटे हुए हैं, ये मूर्ति जो है लेटी हुई है, और यहाँ आप इनके चरण में माथा टेक कर आप आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे इसने लिया है, अच्छा क्या मांगी हो तो गाइस, इसको सिर्फ मिले, देना कुछ नहीं चाहती है। ये सब लेने से पहले ना कुछ देना सीखो, इसके बाद कुछ दी है फूल, फूल से तो सिर्फ मैं खुश हो सकता हूँ भगवान ने। भगवान और किसे खुश होते हैं हु? और सब कुछ उन्हें पसंद है, लेकिन तुम पसंद नहीं हो। क्या क्या पसंद है? सब लोग पसंद है। चलो सुनीता बस पसंद नहीं है शंकर जी को ना। शंकर जी ओ मेरे वाले शंकर जी को क्या तुम्हारे वाले शंकर जी को हु? कौन है तुम्हारा शंकर जी? चलो कहाँ चलो, इतना अच्छा फोटो।